गाड़ी के साथ बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं हमारे, बिकॉज अम्मू के टाइम पे गाड़ी ली थी अम्मू के ही लिए, तो बहुत ही इमोशंस जुड़े हैं इसके साथ। सलाम पीपल, कैसे आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक हो, हम भी मस्त है ना अम्मू? यस। तो ये आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो हर एक मिडिल क्लास का ड्रीम होता है कि उनके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो जो उनके बजट में हो। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। मेरे ड्रीम्स तो फुलफिल हो गए, तो एक गाड़ी का रिव्यू करेंगे जो एक ड्रीम कार थी, जो मैंने इसकी फर्स्ट एड देखी थी तब मैं शायद मेरा हाईएस्ट रीच कर रहा था। तो सबसे अच्छा माइलेज देने वाली कार है ये, और मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ मेरे बजट में भी। सो लेट्स सी, ड्रीम्स देखो बट उनको फुलफिल भी करो। इस कार के बारे में पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, पॉइंट्स टू बी इम्प्रूव्ड तो एक या दो ही होंगे, बट इट इज़ अ नाइस सुपर कार। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो और वीडियोज़ लाते रहे डेली रूटीन के, मिडिल क्लास के जो सपने हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, बट सब सपने पूरे नहीं होते, बट हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ जाए और कहीं ना कहीं से हमारे जो सपने हैं वो थोड़े थोड़े करके पूरे हो जाए। तो ऐसे ही एक सपना था कार लेने का जो मैंने लिया, उसको ऑलमोस्ट 2.5 years हो गए अभी, स्टिल शी इज़ रॉकिंग, दैट्स द रेड बर्ड विच एवरी टाइम आई से, हर बार मैं जिसके बारे में बात करता हूँ दैट्स अ रेड बर्ड। तो लेट्स सी। तो पहला सवाल, कुछ सवाल उसके जवाब मैं देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि बुक कैसे की मैंने मेरी कार। तो मैंने घर बैठे बैठे ही बुक की कार, तभी जस्ट अमू हुई थी तो हमें कार की ज़रूरत थी, मतलब एक गाड़ी जहाँ हम सब साथ में जाए, तो बाइक पे ये पॉसिबल नहीं था। तो घर पे बैठे बैठे ही गूगल पे हम लोग ने नंबर सर्च किया, तो आई गॉट वन नंबर, डीलर का नंबर मिला, अभी नाम है उनका। तो उनको मैंने फ़ोन किया, उनको मेरे क्लॉज बताए कि मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए, कम बजट में चाहिए। तो वो मेरे घर पे आए, मेरे डोर स्टेप, गाड़ी उनकी नीचे खड़ी थी, एक डेमो गाड़ी उन्होंने लाई थी साथ में, मैंने वो गाड़ी देखी नहीं थी। वो घर पर आए, हम लोग ने गाड़ी बुक की, कलर रेड कलर की, सब कुछ हो गया, पेमेंट भी हो गया, कैश पे भी ओके, पेमेंट भी हो गया। उसके बाद हम लोग जो डेमो गाड़ी थी नीचे वो देखने गए, तो इट वाज नाइस। तो बुक करने का रीज़न यही था कि कम बजट और एक अच्छी गाड़ी जो अच्छा माइलेज दे, अच्छी दिखने में हो, स्टाइल अच्छी हो। तो इस तरह बुक की मैंने फर्स्ट कार। मोस्ट ऑफ़ द पीपल जाते हैं, रिव्यू करते हैं, इसको पूछ उसको पूछ कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, इंजन कैसा है, ये वो, अपने को तो इतना सब पता नहीं उसके बारे में, बट थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज था। बाद में मैंने चालू किया सब रिसर्च करना, इसमें ये है, इसमें ये फीचर है, इसमें वो है। तो इस तरह से बुक की हमने हमारी फर्स्ट कार, एंड इट इज़ बेस्ट इन क्लास। यहाँ पर पार्क की है, बहुत ही कम जगह में पार्क हो जाती है, दैट्स इट, एंड ऑल क्विट। फ्रंट प्रोफाइल फुल क्रोम वर्क किया हुआ है, लाइट्स, ये फ्रंट से ये साइड प्रोफाइल हुआ है, क्रोम लगवाए थे मैंने यहाँ पर, नीचे भी इधर एक क्रोम, डोर हैंडल्स पे भी क्रोम लगवाए थे मैंने। पीछे भी यहाँ पर क्रोम लगाया है, साइड में भी यहाँ पे क्रोम का काम किया हुआ है। अभी कार के अंदर, तो रीज़न ये था गाड़ी लेने का कि ये स्पेशियस है, इस पर जगह
बहुत सारी है अच्छा सा। ये देखो इसका फ्रंट लुक, स्टीयरिंग, यहाँ पे स्पीडोमीटर, मतलब बहुत ही अच्छी स्पेशियस है। पीछे भी बच्चे बैठते हैं तो इट इज़ नाइस, आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, इतना सारा स्पेस है इसके अंदर। पावर विंडोज दिए हैं जो सिर्फ फ्रंट को है दोनों तरफ। ये जो सामने बटन से दिए हुए हैं, एसी है, ये एडजस्टेबल, यहाँ पावर विंडो अप एंड डाउन, सेंट्रल लॉकिंग है इसमें, नाइट विजन वाले मिरर्स नहीं है, बट इट इज़ नाइस। ग्लव बॉक्स वहाँ पे दिया हुआ है, 1, 2, 3 है। इसके गियर का एक एडवांटेज है कि इसके नीचे एक लीवर दिया हुआ है, रिवर्स मारने के टाइम जस्ट यू हैव टू पुल दिस अप, इसको ऊपर करके फिर इसको रिवर्स में डालना है तो ये रिवर्स में जाएगा। इसका जो बूट स्पेस पीछे है वो 300 लीटर का है, डिक्की जिसे बोलते हैं, और काफ़ी बढ़िया स्पेस है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, स्पेशियस है, इतने बजट में ये बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट रखी है। इंजन का वॉइस थोड़ा सा जो है वो अंदर आता है, एसी ऑन है फिलहाल, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं इसके लिए। अब ये मॉडल है RXT, रेनॉल्ट क्विड का RXT मॉडल है, और ये कितनी दौड़ी है, 10,400 किलोमीटर्स तक गाड़ी रन हुई है पिछले 2.5 साल में, तो अच्छा माइलेज दे देती है गाड़ी। सिटी में मेरे को ये 19 के आसपास देती है, हाईवे पे ये 20 प्लस एवरेज देती है विथ फुल एसी। गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी, सबसे पहले तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी है, छोटी सी मिनी गाड़ी है, कहीं पे भी घुस जाती है आराम से। सेंट्रल एसी कूलिंग इज क्लास, इंस्टेंट गाड़ी कूल हो जाती है, और जो ग्लास फ्रंट के ग्लास है, पावर विंडोज़ जो दिए हैं वो सच में पावर विंडोज़ है, प्रेस करते फटाक से वो ऊपर चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं ओपन करने के टाइम भी। मेस्ट टच पैड जो दिया हुआ है सेंट्रल में, उसमें नेविगेशन दिया है जो दूसरे अपो वेरियंट्स में या फिर अभी रेनॉल्ट की ट्राइबर आई है उसमें भी नेविगेशन शायद नहीं है जो इस छोटी सी गाड़ी में दिया हुआ है। स्पेशियस है, जगह बहुत सारी दी है, ग्लव बॉक्स दिए हैं दो दो चार चार, पीछे का बूट स्पेस भी बहुत बड़ा है, एक ही वाइपर है बट इट इज़ इनफ, बहुत ही अच्छा है वो भी। पॉइंट्स टू बी इम्प्रूव में क्या है ये गाड़ी के कि आइस पिकअप में थोड़ा सा, बट मेरे ख्याल से इट इज़ बेस्ट बिकॉज ये सेगमेंट में 800 cc के सेगमेंट में कम बजट में ये बेस्ट गाड़ी है। पिकअप में मार खाएगी ये गाड़ी ऑफकोर्स, 800 cc छोटा इंजन है, एसी ऑन करेंगे तो जल्दी से पिकअप नहीं लेता जैसे बाकी कोई गाड़ियाँ लेती होंगी, तो इट इज़ गुड, मुझे ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता है। और जो यूज़ ऑफ, लोग कहते हैं कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, बट इट इज़ अ गुड क्वालिटी प्लास्टिक, मुझे ऐसे लगता है। ये मेरी कार है तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये कार, इतने साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको, इट इज़ नाइस। अभी एसी ऑन है तो चिल हो गया है, सो आ रहा है ना, मुझे दिखा रही है कितना ठंडा है उसका हाथ, सडन कूलिंग हो जाता है गाड़ी एकदम मस्त, दे डोंट नो दे कैन फील, और टच कर रही है दिखा रही है आप लोगों को कितना ठंडा हो गया है। ओवरऑल हमारा रिव्यू यही है कि गाड़ी इज़ बेस्ट, इट इज़ ऑसम, इट इज़ नाइस। सिर्फ कैसे आप लोगों में पेशेंस होना चाहिए, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि ये गया वो गया, गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, गाड़ी में वो प्रॉब्लम है, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है। अगर आप गाड़ी का आपके बच्चे की तरह ख्याल नहीं रखेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया गाड़ी में, कहीं इतने लॉन्ग टूर्स में गया है बट कहीं पर भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया गाड़ी को लेकर। माइलेज भी अच्छा दिया है गाड़ी को, आप जितना केयर करोगे गाड़ी उतना अच्छा आपको साथ देगी। एक चीज़ है कि आप में पेशेंस होना चाहिए, इसमें छोटा मीन्स फास्ट पिकअप नहीं है तो भी आप कहे करो कि एक्सीलेटर दबाओ दबाओ, ऐसे नहीं, पेशेंसली करो तो गाड़ी इतना अच्छा भागती है। मैंने इसको मैक्सिमम भगाया है 120-130 के स्पीड पे, 135 लास्ट तक मैंने भगाया है इस गाड़ी को हाईवे पे फुल फैमिली के साथ। बट ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पे गाड़ी भगाते रहे, ऐसा नहीं, गाड़ी का भी लिमिट होता है यार, कुछ भी करे तो भी ये इंजन है, बस उसको प्यार करो अच्छे से, अपना समझ के चलाओ, ध्यान रख के चलाओ, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो,
गाड़ी आपकी बहुत अच्छा माइलेज देगी और बहुत प्रॉपरली चलेगी। गाड़ी के साथ बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं हमारे, बिकॉज अम्मू के टाइम पे गाड़ी ली थी अम्मू के लिए, तो बहुत ही इमोशंस जुड़े हैं इसके साथ। बहुत सारी चीज़ों में गाड़ी बहुत हेल्पफुल रही है, स्पेस को लेकर, इमरजेंसी के टाइम पे कहीं पे जाना हो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को हेल्प भी हुई है इसके वजह से, इसलिए इसके साथ बहुत सारी इमोशंस जुड़ी है। इसको ध्यान रखिए, आपकी भी कार हो कोई भी कार हो आराम से चलाइए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए, रेगुलर सर्विसिंग करवाइए गाड़ी की, रेगुलर वॉशिंग करिए गाड़ी का, क्लीन रखिए, फिर देखना आपकी गाड़ी भी अच्छा माइलेज देगी, कोई कंप्लेंट नहीं होगी आपको भी। होप आप सबको वीडियो पसंद आया है ना, इसी तरह वीडियो देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून, तो टेक केयर, सी यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।